Belakangnya lahir masingsa tei wana masingsa Patimung nuzade fakia Patimung Tripura University wa Tripura University ni Sociology Department ni Baiba Amtuk Mungo Rung Sungai Jengne Shaka wa Yak Suluk Muluk Kelajamu ni Kokshita Mungkasai fakia Yak Suluk Muluk Khainai Department ni Assistant Professor ni Shawiman ka Chopro Janai Ar Rung Sungai Jeng Tabu Hapani Shakam Nogo Shakna Ja एक लड़की के साथ स्टूडेंट के साथ बातचीत बॉन्डिंग और बातचीत बॉन्डिंग उसके बारे में आपके क्या कहना है? अभी शाम को 6 बजे के आसपास ये लड़की आई थी और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे उससे मिलने के लिए, तो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो हमने उसने कुछ कुछ बताया कि उसके साथ में कुछ किसी टीचर ने कोई बात किया है, तो हमने कंसर्न टीचर को उनके SOD को तुरंत बुलाया और इमीडिएटली उसके बारे में पहले फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश की। तो उससे पहले वो दोनों जो है फैकल्टी साहब आए प्रोफेसर साहब शहर से, जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे बच्ची की तबीयत थोड़ा खराब हो गई, तो क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि बच्ची की हेल्थ का ध्यान रखना, कि कहीं पता चला उसके बच्चे के सुबह से एग्जाम था उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसका तबीयत पहले अपने हेल्थ सेंटर में चेकअप कराया उसके बाद में हम उसको यहाँ लेकर के आए हैं। और वाइस चांसलर साहब ने इस बात को एश्योर किया है कि एज पर रूल जो भी कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा। एंड वी सर हैज पर्सनली टेकन इंटरेस्ट इन दिस मैटर एंड ही विल पर्सनली सी टू इट दैट नो नथिंग रॉन्ग कैन हैपन विद एनी ऑफ अवर स्टूडेंट। वी आर कमिटेड, वी आर गार्जियन ऑफ दिस ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस। जो प्रोफेसर उसके साथ आपको बात हुआ क्या? अभी उनसे बात नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले कि वो आते बच्ची की थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो सबसे ज्यादा जरूरी था कि बच्ची के हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखते हैं, तो हम इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के आए। हम खुद आए, मैडम जो उनके HOD मैम हैं वो खुद आई हैं और सारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी के DS DN डीन स्टूडेंट वेलफेयर हमारे साथ। तो अभी सबसे पहले तो बच्ची का ध्यान रखना है और जब वो बच्ची ठीक कंडीशन में हो जाएगी बात करने के लिए तो एज पर रूल्स हम उसके बारे में बात करेंगे। और मीडिया को बोलने से आप लोग क्या यहाँ पर आप लोगों का कोई घोटाला बजी चल रहा है? नहीं नहीं, मीडिया से बात करने का कोई भी मना नहीं किया। जो भी आए हमने पहले सोचा कि पहले हम तो बात कर लें उसके बाद मीडिया से भी बात करें। मीडिया से बात करने के लिए किसी ने कोई मना ही नहीं हुआ। मीडिया से तो हम खुद जो है ना, यदि अच्छी बात है हमारा। लड़की के साथ आपकी बातचीत हुआ क्या? लड़की बहुत घबराई हुई थी तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं हुआ, पर जो थोड़ा समझ में आया कि वो उसका वाइवा था और एक प्रोफेसर साहब के बारे में वो थोड़ा सा बात कर रही थी, पर डिटेल क्या था वो अभी हमें समझ नहीं आया। तो वो समझने के लिए ही हमने प्रोफेसर साहब को ही बुलाया, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब को ही बुलाया कि आमने सामने बात हो, पता चले सच क्या है। जब तक हमें सच नहीं पता होगा तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते। कितनी देर बातचीत को अपनी लड़की के साथ? लड़की के साथ तो 5 मिनट के आसपास बात हुई होगी। जैसे ही उन लगा कि हाँ कुछ बात है तो हमने इमीडिएटली प्रोफेसर साहब को बुलाया। प्रोफेसर साहब शहर में रहते हैं, आने में उनको 15-20 मिनट का समय लगा। तो जैसे ही आए बच्ची की तबीयत जो है थोड़ा बिगड़ने लगी। सर इंसिडेंट तो, दोपहर को हुआ था सर? नहीं, बच्ची ने हमें अभी इसी वक्त बताया। दोपहर को वो बोल रही है कि वो अपने घर चली गई थी। घर जाने के बाद उसने जो है वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, बट अथॉरिटीज को अभी पता चला। वाइस चांसलर साहब ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाया, हम भी वहां थे और HOD मैम ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के मैटर क्या है उसको समझने की कोशिश की। और वो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, बहुत वुमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं, तो कोई भी ऐसा कुछ गलत ना हो मैम हमारे साथ हैं और मैम पर्सनली देख रही हैं कि कुछ भी गलत हुआ होगा तो मैं आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूं कि कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। और वाइस चांसलर साहब ने कमिटमेंट दिया है कि किसी की भी गलती होगी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और जो भी एज पर रूल प्रोसीजर होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि ये ICC का केस होता है। कोई भी बात हो तो ICC में जाएगी और हम इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट अभी कम से कम हमें बच्ची से पता तो चले हुआ क्या है, अभी तो वो समझाने की जैसे ही बात करते हैं वो घबराने लगती है, तो पहले समझना पड़ेगा कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। तो जैसे ही पता चलेगा हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे।